दोस्तों पाण नवीद रिफ्लेक्शन जे पेज तां जेको आ गॾु थिया आहियूं ऐं पाण जीअं चयोसीं त मैट्रिक कैटेगरी जी पाण फ्री में तयारी कराईंदासीं त उहे बिल्कुलु जेको आहे पाण फ्री में तयारी करायूं था ऐं इहे पंहिंजो पहिरियों लेक्चर आहे। पहिरें लेक्चर में मां तव्हां सां गॾु आहियां नवीद मुंतज़िर ऐं इहे जेको पोर्शन आहे हिन में अंग्रेज़ी जेको आहे मां तव्हांखे पढ़ाईंदुसि। सो अंग्रेज़ी जे लाइ अॼु मां सोचियो त तव्हांखे जेको आहे जेको सैम्पल पेपर आहे बीए ॾिनो आहे उहो तव्हांखे कराइजे। सो सैम्पल पेपर के जैसे असं डिसंदासे तो पान के आइडिया थी वो कड़े एरियाज में कड़े पोर्शंस में अंग्रेजी अचे थी या पान के कड़ा कड़ा एरियाज कवर करना है। सो सब का पैर दोस्तों ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मतलब है तो असंखे एक पैराग्राफ मिलल हों उन पा रीड कंदे उन में सवाल निकल हूँ पान के उ असल में एनालाइज क्या या एग्जामिन क्या तो बबा ये जो छोकरो वो पढ़ी करे माना कढ़ी वे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड जो मतलब होंगे समझण, ठीक है कें समझण जो तुम रीड कर था। सो उन्हें पान के ये सैम्पल पेपर में जो पैराग्राफ दिनों तो चैन था द यूनाइटेड नेशंस केम इन टू बींग इन 1945। अच्छा ये जो सैम्पल पेपर में गलत थियल इतने उत लिखल 1954 पर यो 1945 ठीक है यो तुम जो जनरल नॉलेज भी सवाल हो जाए तो यूनाइटेड नेशंस है वो 1945 में जो वजूद में आयो हो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। हाँ सेकेंड वर्ल्ड वार जी हुई पी उ छो तो 1939 में शुरू थी हुई 1945 में खत्म थी या 44-45 के विच में इन में खत्म थी, ठीक है। सो हाँ ये भी तुम्हारे जनरल नॉलेज सवाल क्लियर हो माना जी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार दैट इंडेड इन द स्प्रिंग ऑफ द 1945 हाँ बुधाए तो 1945 में खत्म थी द वार हैड ब्रॉट मिजरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जी या वार हुई उन सारी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा क्यों मिलियंस ऑफ पीपल लखे मानू जो हुआ हैड बीन किल्ड मारिया वह एंड मेड होमलेस उ बेघर थे मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड फ्रॉम हंगर ऐं लखे माण्हू जेके आहे उहे तकलीफ़ खे मुंहुं ॾेई रहिया हुआ कहिड़ी तकलीफ़ुनि खे बुख खे बदहाली खे बीमारियुनि खे सोशल एंड इकनॉमिक एंड अदर प्रॉब्लम्स ऐं ॿिया बि खोड़ सारा प्रॉब्लम अथा हाणे हिते जेको आहे द नेशन्स उन जेको आहे अंडरलाइन कयो आहे हिकिड़ो वर्ड चए थो द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉन्टेड पीस हैप्पीनेस जस्टिस एंड एंड टू द वार। हाणे जेके माण्हू हुआ नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड उन्हनि छा पए चाहियो जेके क़ौमूं हुयूं उन्हनि चाहे पए त बाबा जेको आहे हाणे जेको आहे पीस थिए हैप्पीनेस थिए जस्टिस थिए ऐं या वार जेकी आहे उहा ख़तमु थिए, ठीकु आहे चाहियो कई माण्हुनि विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। हाणे ॿियो जेको वर्ड असांजो हुते अंडरलाइन थियल आहे उहो ऑब्जेक्टिव आहे, ठीकु आहे हिकिड़ो ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन थियल आहे ऐं ॿियो नेशन्स अंडरलाइन थियल आहे पैराग्राफ में, ठीकु आहे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त उहो कीअं सवाल कढंदा, ठीकु आहे। द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन्स विद द हेडक्वार्टर्स इन मैं एचक्यूज लिखो पर उन हेडक्वार्टर्स इन द न्यूयॉर्क हाँ न्यूयॉर्क जो अमेरिका जो सिटी है, ठीक है। हाँ पे जो उन सवाल कढ़ो वो चे तो द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वॉन्टेड पीस ओ ये जो नेशन आ इन जो चे तो मतलब छा पीपल पीपल्स पीपल या मेन। हाँ इन में सवाल आ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड नेशन माना कौमू हाँ पीपल चबो आम मानू के जो पा वट मू हूँ ना उन्होंने पा पीपल चुना तो ये ऑप्शन थो ही न। अच्छा ये पीपल्स जो वो चबो शागिर्दन के ये भी नो अच्छा ये आ मू मन मर्द यो भी नो तो ये जो पीपल्स जैसे जमा थी वो न तो ये कौमू कौमुन जहाँ जैसे मानू थी तो पा उनके पीपल्स लिखा तो ये जो ऑप्शन आज इन में दुरुस्त आगियों पा वट सवाल विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा हाँ ऑब्जेक्टिव्स जो वो इतने थियल है तो चे तो विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड बाबा विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। हाँ ऑब्जेक्टिव जो हूँ तो ऑब्जेक्टिव जो मतलब आ गोल या एम वगैरह वगैरह, ठीक है। पर हाँ इतने जो इन माइंड लफ्ज इस्तेमाल किया इन माइंड तो माना ये जी उन्होंने ख्याल हुआ जैसे कर मन ख्याल में इतने जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आइडिया है तो ये जो आइडियाज हुआ उन्होंने जहन में हुआ उन्होंने नजर में रखी कर यूनाइटेड नेशंस टाई हाँ इतने छाकाण तो इन माइंड जो फ्रेज इस्तेमाल थियल इन करे माइंड में जो को ख्याल अची सके तो थॉट्स तो हाँ को आइडिया है नो तो नेशंस टाइजे अमुन कराई फला कराई हंगर के खत्म करी वगैरह वगैरह। हाँ ये आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पोर्शन इन में जो 10 सवाल पा वट इंदा जो पा के अटैम्प्ट करना है
मां समझा तो ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हाँ एकड़ी गाल अंडरलाइन वर्ड हूँ उन्हें में तुम्हें दिसो पव सेंटेंस में सेंटेंस में वह कड़ी माना दिन था मिसाल तौर हाँ नेशंस जो पीपल्स की माना दे तो न तो अड़े तरीके से तक सेंटेंस में माना कड़ो वर्ड कड़ी दे तो इन किस्म जहा सवाल उन्होंने पुछा ऐं भी सके तो चवन बाबा इन टाइटल दियो टाइटल में यूनाइटेड नेशंस दिन या वर्ल्ड वार दिन या वर्ल्ड वार टू दिन या सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दिन तो जाहिर गाल है जो सो पान के पैराग्राफ नजरे तो वो पान के नजरे तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो पान जो ऑप्शन जो हो यूनाइटेड नेशंस हों खैर उत वरी तक ऑप्शन्स मिलंदा तुम उन हिसाब से इनके डील कद अच्छा उनका अगत जो बो प्रॉब्लम आ बया जो पा वा ये दह सवाल जो अंग्रेजी पोर्शन में इंदा पा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो बया सवाल इंदा सिनोनिम्स में पंज सवाल इंदा ठीक है पंज सवाल हाँ अच्छा ये पेरों सवाल उन्होंने कड़ो आ सैंपल पेपर में द प्रॉब्लम्स रिक्वायर अर्जेंट हाँ इतने उन्होंने अर्ज लफ्ज के अंडरलाइन किया अर्जेंट के अर्जेंट अटेंशन तो प्रॉब्लम्स उन्होंने अर्जेंट अटेंशन खपे तो हाँ इन जो सिनोनिम कढ़णो आ ठीक है इतने अर्जेंट शादी माना दे दो यो बुधायण आ पा के हाँ बाबा इतने जो अर्जेंट पा के माना दे दो वो इंपॉर्टेंट की भी को दे क्लोज की भी को दे मच की भी को दे घने की गाल है को अर्जेंट माना तकड़ में या जल्दी तो वो प्रेसिंग जो है इन सिनोनिम अच्छा हाँ उन अलावा अच्छा अड़ा पंज तिनोनियम जो हूँ दह जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल हूँ पंज जो सिनोनिम हूँ पंज वरी एंटानियम्स हूँ अच्छा इतने मनी इज नॉट एसेंशियल इतने एसेंशियल अंडरलाइन थे तो मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस माना खुशी के लिए पैसो अहम ना है जरूरी ना है तो पैसो हो तो खुश भी हो खैर यो वरी बो बेस पर पा इन गाल जुमले के एसेंशियल जो पान के उबतड़ लफ्ज कढ़ो आ एंटानियम उन लफ्ज है अन इनएसेंशियल जो इतने मौजूद है ऑप्शन्स में सो बाकी बया कम थन्दा ही को ऑप्शन्स कदें कदें ये वर्ड्स जो इन या डिस या मिस से एंटानियम न भी ठहन पर एसेंशियल जो है इन यो इनएसेंशियल इन का बाद में तट पंज सवाल हूँ स्पेलिंग ज हाँ स्पेलिंग में जो तट वर्ड आ डेलिनिएट डेलिनिएट ए डेलिनिएट तो इन जो बी ऑप्शन है वो पो करेक्ट ऑप्शन है यो वही चेक भी कर ठीक है ये असाइनमेंट है इनकी मुख्य माना बुधाई कमेंट सेक्शन में इनकी माना है ठीक है अगत हलूँ पा एरर डिटेक्शन में एरर डिटेक्शन जहाँ भी पंज सवाल इंदा ठीक है हाँ एरर डिटेक्शन जहाँ पंज सवाल मिसाल तौर वो क्या हाँ लिखल है वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल हाँ मामलो जो पोर्टेबल है वो ऑब्जेक्टिव आ तो ये जो परफेक्ट इन जगह लफ्ज इस्तेमाल थे यो भी ऑब्जेक्टिव आ तो ब ऑब्जेक्टिव गजी कर इस्तेमाल ना सकन इन कर छो तो ये परफेक्ट जो वो इनके डिस्क्राइब तो करे ऑब्जेक्टिव के पोर्टेबल के इनो मतलब यो थो तो ये एडवर्ब हुजन घुर्जे हुजन घुर्जे एडवर्ब छो तो एडवर्ब अगत भी पा पढ़ा क्लासेस में तो एडवर्ब जो वो वर्ब के क्वालिफाई कह या ऑब्जेक्टिव के क्वालिफाई कह या वो पान के क्वालिफाई कह हाँ ये पोर्टेबल ऑब्जेक्टिव आ उनके परफेक्ट जो वो क्वालिफाई करे तो जो इन जो एडवर्ब आ वो परफेक्टली आ परफेक्टली बाबा परफेक्टली तो जो दुरुस्त ऑप्शन थो वो परफेक्ट थो या एरर डिटेक्ट करनी है एरर डिटेक्शन में मतलब चाहे जुमलो तक मिलल हों उनमें को वर्ड गलत इस्तेमाल थे हों ग्रामर के हवा से वो तक गोलो आ तो वर्ड जो वो ग्रामर के हिसाब से गलत आते ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट लफ्ज गलत आ अगत हले तो प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन वही अहम शे कें भी टेस्ट में प्रेपोजिशन को छींदी सो प्रेपोजिशन जहाँ भी पंज सवाल पा वींदा हाँ इतने चो वी स्पेंट द होल हॉलीडे डैश डैश बीच इन बीच अप बीच ऑन बीच या एट बीच बाबा इन उन इस्तेमाल जैसे तट बाउंड्रीज होजन बाउंड्रीज में अंदर हुजो या का बाउंड्रीज या अंदर हुए तो हाँ बीच जी हूँ चब समुंड के किनारे के जाते अंग्रेज जो कछा पाए कर घूमता सुता पाया हूँ उस में जो वो मजा वा उनके चब बीच तो बीच तो हाँ क्लोज तो नी तो ओपन होंगी खुलल होंगी तो इन कर इन ऑप्शन को अच्छा अप जो हूँ वो मथे के लिए इस्तेमाल तो हाँ मथे बीच के मथा बी कर तो को इन वक्त गुजार तो ये भी ऑप्शन गलत आ एट जो पो खास कर पोजिशन के लिए इस्तेमाल लोकेशन के लिए इस्तेमाल तो इन कर भी जो वो दुरुस्त ऑप्शन को दुरुस्त ऑप्शन इतने आन आन जो बीच से आन लगन अगत हलूँ पा सेंटेंस स्ट्रक्चर हाँ तक समझाइंदुम तो कड़ा कड़ा टॉपिक अचन कड़ा कड़ा एरियाज हाल फिलहाल तक हल कर वो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो
वो पान वट अलग टॉपिक है अंग्रेजी में। हाँ पान के सेंटेंस चेबो उन जैमा मुकम्मल मतलब निकरे। ठीक है हाँ इतने ऐसो उन पे ऑप्शन दिनों स्टॉप ऑप्शन दिनों बी माई बैग नॉट देयर। हाँ अच्छा इतने मिस्टेक आ माई बैग इज नॉट हो घुर्जें इन ऑप्शन गलत आ। हाँ सी में आ अबाउट 50 pounds। अच्छा हाँ सेंटेंस की बेसिक मीनिंग आड़ी आ या बेसिक डेफिनेशन आ तो सेंटेंस पान के मुकम्मल मतलब दी या मुकम्मल माना दी। हाँ अबाउट 50 pounds माना चे तो तकरीबन 50 pounds तकरीबन 50 pounds कंखे मिलया कें दिना है तो इन में मुकम्मल मतलब नो निकरे इन कर भी सेंटेंस ना है। अच्छा इतने अगो सवाल आ वाई डोंट यू तू छो न तो माना इं लगे तो जनो यो भी मुकम्मल मतलब नो दे अग में अद का गाल थियल आ। मिसाल तौर कें मू का पुछे तो यार जो मुल्तान वन मुल्तान में कम आ अगे मूँ चेस तो वाई डोंट यू तू छो वे तो पान तो हाँ अगी जी गाल अद में रहल इन कर वाई डोंट यू भी मुकम्मल मतलब नो दे इन कर स्टॉप जो लफ्ज़ आ माना बीह चुपको बंद कर स्टॉप कर तो स्टॉप जो भले एकड़ो ही लफ्ज़ आ पर मुकम्मल मतलब दे दो इन कर एग्जैक्ट जो जवाब आ सेंटेंस जो वो स्टॉप आ। हाँ तक थोड़ा ओवरव्यू दें तो पा वे 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जवाल हों 10 जो पा वट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहा